द पीपल, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोबारा से। तो लास्ट वीडियो मैंने डाल दी अपने पबजी की, जिसमें मैंने अरीना खेले थे थोड़े से, जिसमें मैंने बहुत गंदा हगा था। लेकिन आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसको 2020 में सबसे ज़्यादा देखा भी है। 203 बिलियन लोगों ने इसको देखा गया। तो हमने सोचा हम भी इसकी सीरीज़ बना लेते हैं। मतलब अभी तो मैं नॉर्मल सीरीज़ बना रहा हूँ, बाद में मैं जब अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगा, जो आप बनाओगे मेरे को पता है, तब हम एक और सीरीज़ लाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम नॉर्मल खेलते हैं। तो स्पॉन तो मैं हो गया हूँ, और मैं मेरे को कोऑर्डिनेट्स का मैंने ऑन कर दिया। कोऑर्डिनेट्स ही मेरे को बचाएंगे, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते ना तो दिमाग ख़राब होता है मेरे को, ना माइनिंग का पता चलता कि माइनिंग कैसे होनी है। तो अभी कोऑर्डिनेट्स है, मैं इस पूरे ट्री को तो नहीं इतना तोड़ लूँगा, क्योंकि इतने में हमारा काम हो ही जाना है। और नॉर्मल जैसे हर कोई करता है एक क्राफ्टिंग के ऊपर, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी एक वो मिल जाए। मतलब अभी मैंने वो टूल्स नहीं बनाया, क्योंकि वो वेस्ट ही होते हैं। हम सीधा कोबलस्टोन ढूंढेंगे और उनके बनाएंगे। और बहुत सही जगह, मतलब समुंदर के पास, मैं सोच रहा हूँ समुंदर के पास ही घर बना लेंगे, इसको क्लियर कर देंगे पूरे एरिया को, यहीं घर अपना, यहीं समुंदर। एक सेकेंड, वो क्या है, डोंट टेल मी कि वो विलेज है। और मैं अभी बोल ही रहा था कि शुरुआत में जल्दी से जल्दी मेरे को एक विलेज मिल जाए, और मेरे को विलेज मिल भी गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले चलते हैं विलेज में, देखते हैं, लूटा पार्टी करते हैं। और आयरन गोलम नहीं दिख रहा, आयरन गोम रन, कोबल स्टोन। यार देखो, अभी मैं ना, मतलब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ माइनक्राफ्ट में, तो अभी मैं नॉर्मल खेले करूँगा। तो अभी मेरे को थोड़े से कोबल स्टोन वगैरह चाहिए, जो कि मेरे को मिल तो रहे हैं, लेकिन मेरे को यार डियो भाई साहब, क्या सही जगह, वहाँ लावा है। मतलब लावा अच्छी बात नहीं है, बट लावा काम भी तो आएगा ना, तो नहीं तो हम उसी साइड चलते हैं। और भाई पानी एकदम जहर लग रहा है, जहर। जल्दी से ऊपर हो जाते हो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी सांस। और यहाँ मतलब एक चीज़ सही है, यहाँ मैं माइनिंग कर सकता हूँ कोबल स्टोन की। और मैं यहाँ से कम नहीं तो पहले तो तीन तोड़ते हैं, क्योंकि मेरे पे एक प्लान है जो मैं दिमाग लगाता हूँ। देखो तीन तोड़े अभी मैंने, अब इन तीन से बना लूँगा मैं एक, ये अब मैं जल्दी जल्दी तोड़ पाऊँगा। मतलब नॉर्मल एक स्वॉर्ड और एक एक्स के लिए तो मेरे को लगेंगे, जो कि लगेंगे पूरे पाँच। तो देखो ये तो उसकी हो गई, और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होगी, है ना। तो इसको कर लेते हैं। और हाँ, ये जो सीरीज़ है, ठीक है ना, इसकी वीडियोस जो है वो कम आए करेगी। अब ये मत बोलना इसकी वीडियो कम क्यों आएगी, क्योंकि भाई मेन मैं माइनक्राफ्ट मेरे को आती नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज़, ये कभी भी एक SMP में बदल सकते, मतलब ये हम, मैं पॉकेट एडिशन खेलता हूँ तो इसमें SMP नहीं बना सकते, बट जो एक वर्ल्ड क्रिएट करके अपने टीममेट्स के खाल, मतलब फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना, मैं वो कर सकता हूँ। और मेरे जो दो दोस्त हैं वो इसमें कभी भी आ सकते हैं, मतलब उनका अभी डन नहीं है पक्का वाला कि वो आएंगे ही, बट उन्होंने बोला हम कभी भी आ जाएंगे, तो मेरे को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। मतलब वैसे तो हम साथ ही रहेंगे अपना मस्त मगन, और भाई जगह तो मस्त है। और मैंने 26 एक्स्ट्रा भी ले लिए है, मतलब इतना काम तो अब आना नहीं है इनका। हाँ, उसके काम आ जाएगी कि मेरे फर्नेस वगैरह बना दूंगा, लेकिन यार विलेज है, विलेज में तो फर्नेस वगैरह होती है। और फटाफट चलते हैं, हाँ विलेज के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, और विलेज में एक बेड लेकर वहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रिस्पॉन सेट करूँ, क्योंकि रिस्पॉन मेरे ज़्यादा दूर भी नहीं है विलेज से। और घर वर भी आसपास बना लूँगा, घर अभी नहीं बनाते, क्योंकि जब अगर मैं उनसे एक बार, अरे शेट, उनसे मैं एक बार पक्का कर लूँ कि वो आएंगे या नहीं, क्योंकि अगर वो आएंगे ना फिर हम सोच कर सब मिलकर घर बनाएंगे। ये वाला घर, हाँ इस घर में होता है, तो हम सोच कर घर बनाएंगे। थैंक यू बताने के लिए। अब सबसे पहले फर्नेस बना लेते हैं, इसको इधर रख देते हैं। और अभी कुछ पकाने के लिए तो है नहीं, और खाने की भाई तड़प लग चुकी है, बहुत तेज भूख लग रही है। मतलब यार दो दो गेट फालतू के लगे हुए हैं यहाँ तो। और यहाँ कुछ है यार, ये इसमें मैं गिर के मरूंगा पक्का। ओ बीट रूट मैं खा सकता हूँ, बीट रूट ही कहते हैं ना इसे। हाँ, इतना
नया नया हूँ ना, तो इतना एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ मैं खेली है थोड़ी सी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम खेली थी ना, तब मैंने इसे डाउनलोड करते ही डिलीट कर दी थी। मतलब क्या डब्बा डब्बा वाली गेम थी, बट भाई बहुत वो है ये गेम। इसको बाहर के देशों में ना 13 साल के बच्चों को खेलना कंपलसरी है, और पता नहीं इंडिया में भी रूल होना चाहिए था। स्कूलों में खिलाते बताओ उन्हें, मतलब स्कूलों में कहते हैं जाके जाओ बैठो कंप्यूटर लैब में, कुछ भी बनाने सिखा देंगे, कुछ लिखो ये लिखो वो लिखो, दिमाग ख़राब होता है उनका। स्कूल सही है यार। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े से वो भी मार दिए सुअर, और अंदर चलते हैं थोड़ा सा वो पकाते हैं, ये इसको यहाँ रख के इसे पका, क्योंकि इनका तो कुछ काम है नहीं अब। नहीं मैं देखना चाहता हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें रख सकती, ये तो रख ही सकता हूँ, कोबल स्टोन नहीं रख सकता, स्टिक रख, अरे यार रख ही दो स्टिक, थोड़ से ये भी रख दो। फटाफट से मैं ये बनाता हूँ, और मतलब मेरे को जो SMP है ना, वो मेरे को SMP का शौक तब पड़ा था जब मैं हीरो बनाने SMP देखता था। बट उसमें ना एक चीज़ बहुत गंदी होती है हीरो बनाने SMP में, उसमें फाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक तो फाइट इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से एक और बुरी बात, सामान चोरी हो जाता है। वो अलग अलग खेलते हैं, तो हम जब खेलेंगे तो हम ऐसे नहीं खेलेंगे, नॉर्मल अकेले अकेले सब मिल मिलकर खेलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा खाना भी हो गया है, और अब सबसे पहले मैं इस जगह को ना पूरा एक्सप्लोर करता हूँ। इसको गेट को करो, ज़रा बाहर चलता हूँ, और जगह तो मस्त है। आयरन गोलम भी, इसको अभी हम नहीं मारेंगे भाई, कुत्ते इधर बहुत सारे हैं, मेरे को रात का लगता है वेट ही करना पड़ेगा। ओह शिट, इनके बैरीज निकाल लूँगा तो भी मेरे काटेगा यार, बदतमीज। बहुत गंदी चीज़ लगी कि यार वो ना लड़ाई क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और देखा, जो मतलब इंडिया का आप ड्रीम बोल सकते हो, इंडिया का ड्रीम, मतलब वो ड्रीम नहीं सपना नहीं, जो जैसे बाहर के देश में है ना ड्रीम माइनक्राफ्ट प्लेयर, वैसे ही इंडिया का जो माइनक्राफ्ट प्लेयर है जो ड्रीम जैसा है पूरा, उसका नाम है यस माटी पैर। मतलब अगर वो कॉपीराइट ना दे दे बस मेरे को, बाकी तो भाई आई लव हिम भाई। जो खेलते हैं माइनक्राफ्ट भाई, मैंने उनसे ही सीखी है भाई माइनक्राफ्ट खेलना। पार्कोर देखा तो क्या टट्टी पार्कोर कर, और वो ऐसी यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो मेरे को इतना आता नहीं है पार्कोर वगैरह। और मतलब भाई वो तो गॉड है भाई माइनक्राफ्ट के, इंडिया में तो वो गॉड ही है। तो मैंने उनका देखा था हिमलैंड वर्ल्ड, और अभी मैं जस्ट वीडियो देख कर ही आया हूँ, मैं शूट करने बैठ गया इतनी जल्दी तो, और क्योंकि वीडियो भी मैंने डाली। और हाँ एक चीज़ मैंने देखी, सब्सक्राइबर बहुत तेज बढ़ा रहे हो आप, ऐसी हमारे क्या बोलूँ अभी ने के प्लेस पे आप सपोर्ट दिखाते रहो जितना दिखा सकते हो, मतलब जितना दिखा सकते हो वो कम है। और मेरे आग लगी, मेरी ऐसी तैसे जानी है, ऐसी तैसे जानी है। अरे भाई मैं गिर गिर के मर जाऊँगा, मैं मर गया। अरे ले पहली हूँ ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा डंब हूँ इसमें खेलने में, तो कुछ कुछ आता है, जैसे शुगर केन का काम मेरे को पता है, ये हमारे उसके काम आती है। ये दो मिलेगी, ये हमारे बुक्स बनाने के काम आती है और पेपर बनाने के काम। अरे यार कोबल स्टोन तो यहाँ पे भी था, चलो कोई नहीं, हम इतने थोड़ा सा ये कलेक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या एक ही है। और सुबह होने के बाद हम थोड़ी सी माइनिंग पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है माइनिंग से। और मैं माइनिंग सोच रहा हूँ यहीं कहीं पे देख लेते हैं, कोई गुफा वुफा सी मिल जाए तो उसी गुफा में घुस जाएंगे और लूट ही आएंगे सारा सामान को। अरे यार इनको हटाना पड़ेगा मेरे को यार, मेरे को बहुत तंग कर रही है चीज़, मैं किसी दिन गिर के मर जाऊँगा। नहीं जब हेल्थ कम होती है ना तब तो ऐसी तैसी मैं करवाती हूँ। और एक चीज़ मेरे को और करनी है, मेरे को ना इन विलेजर का एक कुछ जुगाड़ करना है। रिस्पॉन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। रात ही तो हो रही है क्या, इसको दिख नहीं रहा क्या? अबे भाई सॉरी भाई, सॉरी भाई, तुम भाई आयरन गोलम को गवा देना, मारे ना। तो अब देखो मैंने उसको मार दिया है, आयरन गोलम मेरे को मार सकता है, वो रेडी रहना होगा। आयरन गोलम, हेलो आयरन गोलम, मेरा भाई आयरन गोलम तो वो क्यों मारेगा मेरे को। हाँ भाई है, कहाँ दिख तो नहीं रहा, चलो कोई ना, आयरन गोलम तो मेरे को कुछ कह नहीं रहा है अपन, मजा आते इसको करने में। यार इनके ना फार्म मेरे को थोड़े अजीब से लगते, देखना गली सी बना रखी है यहाँ,
मेरा ऑटो जंप होना है, मेरे को ऑटो जंप बंद करूँगा अपना। और अभी चलते हैं माइनिंग पर। थोड़ा मैं ना सामान को शॉर्टेज कर लूँ थोड़ा सा ना, बहुत चीज़ें भरी पड़ी है बस। अरे अरे हट जा, पिट जाएगा फिर कहेगा मार दी। सबसे फर्स्ट तो है चेस्ट बनाने एक, ठीक है ना, चेस्ट बना के इसके ऊपर ही रख दो। वो सामान रख दो जो मेरे को वहाँ नहीं लेकर जाने, जैसे ये तो लेकर जाने ही है, खाना मैं वहाँ पका लूँगा। ये मेन मेन चीज़ें मेरे को तू नहीं चाहिए भाई, ये मेन मेन चीज़ें लेके जाता हूँ मैं। क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेते एक, क्योंकि वहाँ तो एक्स्ट्रा लगी। मैं सोच रहा हूँ बेड भी ले ही चलूँ, है ना, बेड को भी ले लेते हैं। मैं आपको ना किसी केव में मिलता हूँ। ओ भाई ये तो घुस, भाई घुस, ये गुस्से में है, नहीं है मेरे को लगा गुस्से में आयरन गोलम। हेलो भाई, जिस हिसाब से भागा है ना, मैं आपको किसी केव में मिलता हूँ अब। तो भाई यहाँ पे एक केव मिली तो है। ओह आयरन मिल गया मेरा को, मेरा पहला आयरन। ये भाई सबसे पहले स्टिक्स बनाते हैं, टॉर्चेस बना लेते हैं। मैं पहले पूरी अच्छे से ट्यूटोरियल वीडियो देख कर आया हूँ क्या क्या करना है, मेरे को आगे का नहीं पता। जैसे और भी जगह होती है, वो एक जगह होती है वो ना कुछ बना कर जाना होता है, मेरे को उसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं उसे, बट हाँ वो ना कहते हैं वो नर्क है, वो माइनक्राफ्ट का नर्क है। अब आपको बताओ तो आप कमेंट में बताना, और बताना वो बनते क्या कहते हैं जिससे वो बनते हैं, कुछ उससे कुछ नाम था मतलब ओब्लीडियम ओब्लीडियम ऐसे कुछ नाम था उसका। आप मेरे को कमेंट में बताना क्या नाम है उसका। बाकी तो फटाफट मैं कोल माइन करूं, क्योंकि कोल ना आगे जाकर हमें बहुत काम आने वाला है। मेरे लिए आयरन और कोल एक ऐसी चीज़ है, मतलब अभी वो मेरे लिए खजाना ही है, क्योंकि अभी मेरे को कुछ आया नहीं है ना खेलना। और मेरे को पता चला गोल्ड जो है इसमें बहुत काम की चीज़ है, गोल्ड मतलब बहुत की लहरी बना देगा मेरे को, और गोल्ड सबसे पावरफुल ऐसा सुना है मैंने। बाकी मेरे को आप बताना पावरफुल है या नहीं, मतलब सब मत बता देना कहीं मैं माइनक्राफ्ट सीख ही जाऊँ आपसे पूरी। चलो एक फ़ायदा हो गया कोल तोड़ने का, आयरन मिल गया, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं खुद भी खेलूँगा ना तो मैं उससे भी सीखना चाहता हूँ। बाकी यहाँ आप मेरे को जितना बता सकते हो उतना बताना कि आगे मेरे को क्या क्या अगले एपिसोड में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब मैंने ये वीडियो डाली, अब 3-4 वीडियो के बाद ही माइनक्राफ्ट की आएगी, ठीक है ना। और इसके एपिसोड मैं ज़रूर डालूंगा, भूलूंगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ना वो भूल जाते हैं, उन यूट्यूबर के नाम तो लूंगा नहीं, वो गलती से कहीं कॉपीराइट दे दे, क्योंकि भाई नया नया चैनल है, कॉपीराइट इशू मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे 2 चैनल मैंने बनाए और दोनों पे 3-3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी है, और इसलिए मेरा चैनल बैन हो रखा था। तो इसलिए मैंने इस बार ये चैनल बनाया, उसमें मैं ना हर यूट्यूबर का नाम लेता था। अब मैं बता नहीं सकता, वो हिनाती हिनाती करके एक है, ठीक है ना, हैमरी हिनाती वो है एक, ठीक है, और एक वो है विवोरा व्लॉग्स, ठीक है ना, वो है। अब आप समझ ही रहे होगे किस किस का नाम मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे मैं नाम ले लेके उनकी ना वीडियो प्रमोट करता था कि आप जाकर उन्हें देखना ही करना, तो उस कारण उन्होंने स्ट्राइक दे दी कि तुम हमारी वीडियो कैसे प्रमोट कर रहे हो। मतलब हाँ विवोरा व्लॉग मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं मतलब जो मेरे फेवरेट होते हैं ना भाई मैं वो करता हूँ। तो मैं विवोरा व्लॉग्स दी, पता नहीं कोई एक यूट्यूबर था वो बाहर का था, मेरे को बहुत पसंद था वो पहले, बट अब मैं उससे नफरत करता हूँ। सिर्फ उस बंदे ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया मेरे को, और मतलब बाहर के देश के बंदों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, इंडिया के बंदों ने किसी ने भी नहीं दी, देख रहे हो अब आप। मतलब आई लव अदर कंट्री, मतलब इंडिया ही नहीं है मेरे लिए सब कुछ, सब है मेरे लिए, हर एक कंट्री मेरे लिए प्यारी है। अभी बक बक बंद करता हूँ और ज़रा से ना ढूंढता हूँ चीज़ें, कुछ मिल नहीं रहा, और आयरन भी पता नहीं मेरे पे कितना होगा, कोल ही कोल है हर जगह। इसको कुछ क्या यार, ये ना कोई चीज़ है, मेरे को इसका नाम नहीं पता, ऐसी चीज़ मैंने सुनी थी कि वो चीज़ मिलती है फिर वहाँ ना आपको बहुत सारा आयरन और कोल मिलता है, डायमंड भी मिल जाता है कभी कभार। यार मेरे को ना इस चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा है, इस चीज़ का। अरे यार मैं ना आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ज़रूर, मेरे को नाम याद आएगा ज़रूर। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से कोल वोल लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको सीधा ना अब उसमें ही मिलता हूँ, जो भी वो जगह है अंडरग्राउंड केएफसी सीक्रेट के, उसी में मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है ना।
तो गाइस अभी आप सोच रहे होगे कि मैं तो केव में जाने वाला था, उसका क्या हुआ। गाइस पता है इतना बुरा सीन मेरे साथ, मतलब ये मेरे पहला सीन था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये मैं रिकॉर्ड करता ना मेरी बेइज्जती कर, मैं एक ब्लॉग नहीं प्लेस कर पाया और मैं सीधा नीचे गिरा, मतलब मरा नहीं बच गया, हाफ आर्ट बचा था। तो मैं ना रास्ता ना भूल जाऊँ इसलिए मेरे को कोऑर्डिनेट से याद करने पड़ेंगे, और मैं बिना कोऑर्डिनेट से याद करे बस माइनिंग में निकल गया। तो मैंने ये वीडियो कट कर दी थी बीच में, मैंने पूरी दोबारा से देखी, उसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स ढूंढे और अब मैं सीधा आया हूँ। तो सबसे पहले अपना घर चलते, यही है ना अपना वाला, मेरे को तो अपना घर भी याद, हाँ यही है। तो मैं बेड लेके गया था, मेरे को लगा मैं बहुत दूर जाना, तो उसमें ना हम अगली बार या फिर अगले एपिसोड में कभी जाएंगे, क्योंकि भाई वो जगह मेरे लिए बहुत खतरनाक है। आप सोचोगे नहीं इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं सर, इतने सारे मैंने पहली बार देखे होंगे ऐसे। और बाकी ये जो फालतू का मैं सामान लाया हूँ इसको यहाँ रखते हैं, और जो चीज़ें बन रही है इस चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। और हाँ इनसे ना मैंने सुना नई नई रेसिपी भी खुलती है, तो हमें पता चलता रहेगा धीरे धीरे कि हमारा क्या क्या बन रहा है। तो ना उसमें कहा था मिनिमम 3 से चीज़ें बनती है, क्योंकि देखो स्वॉर्ड तो 2 से भी बन जाएगी, बट पिकैक्स जो है ना गाइस वो सबसे मेन चीज़ होती है, मैंने ऐसा सुना है, मतलब पक्का नहीं हूँ मैं, आप मेरे को बताना वैसे पिकैक्स मेन चीज़ है या नहीं है, ठीक है वो आपके ऊपर है भाई। देखो क्योंकि आप प्रो बंदे हो, आपको आता होगा खेलना, मेरे को इतना आता नहीं है। बाकी जो मेरे साथ 2 बंदे खेल रहे ना, अगर हमारी फाइट हो गए भाई मैं भगवान कसम कहता हूँ वो जीत जाएंगे, वो प्रो प्लेयर है, मतलब मेरे से अच्छा खेलते हैं वो, और वो मेरे को कभी भी धूल चटा सकते हैं अगर हमारी फाइट हुई है बीच में तो। कभी हो गई, वैसे होएगी नहीं, हम मतलब भाई भाई बन के खेले करेंगे, एक घर अपना प्यारा सा, वही घर में सब मज़े कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पिकैक्स बना लेते, हमारी फर्स्ट पिकैक्स भी, आयरन का भी सामान बनना स्टार्ट हो गया, और 4 और बन गया। और क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ मैं, क्या क्या बनना है, अरे हाँ ये आर्मर भी बना सकते हैं हम। अच्छा और क्या है, शील्ड, अच्छा शील्ड वो होती है ना जो हमारे वो काम आती है, मतलब कोई मारे तो हमें बच जाए। अच्छा, कंपस तो वो होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिखाने, वो उसका मेरे को कोई काम नहीं लगता वैसे। और ये क्या है, आयरन नगेट क्या होता है ये क्या, और अच्छा ये क्या है, 1 सेकंड। अच्छा मैं बना सक, मेरे को लगा मैंने सारे वे, बकेट है और स्वॉर्ड बना लेते हैं एक, और बहुत सारे हो गए 7 हो गए, मेरे को बहुत सारे मिले वहाँ से। और एक्स नहीं बना रहा अभी मैं, क्योंकि मेरे को ना इतने ज़्यादा वेस्ट नहीं करने। ये बकेट का चलो एक बना ही लेते, और आप मेरे को बता देना कमेंट में बकेट का कोई काम है या नहीं है, क्योंकि मेरे 3 3 है ना, 3 वेस्ट हो जाएंगे। बाकी मैं इनको कनेक्ट कर दो, और मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही एपिसोड में भाई कर ली है, इतनी प्रोग्रेस पहले एपिसोड में मेरे लिए तो बहुत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और आप सोच रहे हो कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है तो लाइक ज़रूर कर, मतलब मैं भाई मेरा दिमाग उल्टा हो गया, मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि अब मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ आगे, तो एक चीज़ कर देना वो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। उसको बोलना भाई इस बंदे की वीडियो देखो, भाई बहुत तगड़ा है, मतलब नया नया यूट्यूबर है स्टार्ट करा है, इसको देखो, तो वो देखेंगे, वो समझेंगे, वो व्यूज़ आएंगे, तो प्लीज़। और इस का गोल रखते हैं हम 5 लाइक का, तो अगर इस वीडियो पे 5 लाइक हो जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी अगला एपिसोड भी मैं इसको डालूंगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टाटा टेक केयर, जय हिंद।